अस्सलाम वालेकुम वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। व्यूअर्स, ये लाहौर से आर्डर आया था मेरे पास, मुश्का मछली है और रावस का था और हीरा मछली का था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यार इसकी वीडियो बना लेना, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये मुश्का मछली मैंने इनके लिए परचेज़ की थी, तकरीबन 10 किलो थी और 10 किलो फिर मैंने कटवा के वज़न किया था, तकरीबन 8 किलो थी ना, यानी 7.9। और ये तकरीबन व्यूअर्स किलो और 1.5 किलो के दरमियान दाने थे। ये मुश्का मैंने इनको दी है 900 रुपये के हिसाब से, 900 के हिसाब से। हाँ, सही है, सही है। अभी बस आज मंगल तारीख 15 फरवरी 2022 सुबह की मार्केट है फिशरी। बस मछलियों के रेट कुछ कुछ कम होना शुरू हो गए हैं, जो मछली ज़्यादा आ रही है उसके रेट कम हो गए हैं, जो अभी भी कम है उसके रेट अभी भी ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है महंगी मछली हर कोई नहीं खा सकता ना, और जो आजकल हालात है वैसे भी। असल में ये बोरान मैंने इस साल देखा है, वरना मैं भी काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा हूँ मछली का सेल परचेज का। इस बार जो है जो शॉर्टेज हुई है दिसंबर जनवरी फरवरी और रेट डबल जो हुए, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। बढ़ते हैं 100-150 रुपये 200 रुपये, ठंड की वजह से थोड़े बढ़ जाते हैं, इस साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। पर ये मुश्का मछली है, इस बड़ी टेस्टी है खाने में, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। जब एक ग्रेड का माल होता है उसके खाने का मज़ा ही अलग होता है ना। मुश्का मछली इसका वाइट गोश्त है और ज़्यादातर लोग इसको फ्राई के लिए, लेकिन वो फिर किलो में 3-4 पीस होते हैं वो फ्राई के लिए, लेकिन बड़े दाने इसके आप ये के सालन भी बना सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। गोश्त इसका वाइट है, एक कांटा है इसमें, एक बड़े साइज़ में सही रहते हैं, छोटे जो साइज़ होते हैं हो जाते हैं इसमें, फिर ये खाल में भी कांटे आपको नज़र आएंगे ना, बड़े साइज़ का सही रहता है। माशाल्लाह, तीनों धाने कैसे निकले यार। हाँ यार, तीनों धाने बेहतरीन यार। एक मछली भी और सेहत है, अल्लाह अगर आदमी को दे कुव्वत ख़रीद आपकी हो तो मछली की तरफ आए। ये चिकन और ये जो मुर्गी बेचारी खड़ी भी नहीं हो सकती है, उससे क्या पेट तो भर जाता है, लेकिन एक कोई फ़ायदा नहीं है। और गाय का गोश्त भी ट्रबल करता है लोगों को, मैंने देखा हर दूसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का, उनके लिए तो ये मसले ही मसाइल हैं। ये मछली आप खाएँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह आपको दे तो ये इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं चंद महीनों में ही अच्छी हो जाएगी। व्यूअर्स, ये वाइट ट्राउस है, ये भी व्यूअर्स टॉप ग्रेडेड मछलियों में शामिल है, जैसे सुरमाई हो गई, डांगरी हो गई, हीरा हो गई, ब्लैक रावस, वाइट रावस, पापलेट, ये भी टॉप ग्रेडेड की मछलियों में। बस ये मैंने इनको 1000 रुपये के हिसाब से दी। ये असमतुल्ला साहब हैं लाहौर में, लाहौर से उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, आईटी एक्सपर्ट हैं, तो मैंने उनका स्टार्ट में नाम लेना भूल गया, असमत साहब के ये ऑर्डर है।
व्यूअर्स, इसमें वेस्टेज कम होती है, इसमें मुश्किल से 20% 18-20-22% बस इतनी वेस्टेज है। ये अगर आप इसको आप बोनलेस कराएं तो आधा आपको मिल जाएगा। बोनलेस के लिए ये भी बेस्ट है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें जो ब्लैक रावस है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, ये तो फिर भी आपको मिल जाएगी 900-1000 रुपये में, वो आपको 1400-1500 से कम में नहीं मिलेगी। वो आती भी बहुत कम है फिशरी में, मैं देखता हूँ हफ्ते में कभी एक आध दिन नज़र आ गई ब्लैक रावस, ये आपको फिर भी आपको 5-6 दिन नज़र आएगी। अब पिछले हफ्ते में तो व्यूअर्स ये भी नज़र नहीं आ रही थी, बहुत कम नज़र आ रही थी, लेकिन ये कि आज मिल गई तो मैंने परचेज़ कर ली। सही फर्स्ट क्लास। अगर आप आएंगे तो आपकी रेंज की मछलियाँ भी मिल जाएंगी, वो ज़ाहिर है वो आपके जो आप चाहते हैं वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिल जाएंगी मछलियाँ, ऐसी हैं जो सस्ती भी हैं, किलो में 8 दाने 6 दाने 12 दाने वाली आपको मिल जाएंगी, 200-300 रुपए वाली मछलियाँ भी मिल जाएंगी। वो अलग बात है कि आपको पसंद ना आए, वो अलग बात है, लेकिन मछली मिल जाती है। ये वो वाइट रावस का माशाल्लाह देखें कैसा है, वाइट गोश्त है बिल्कुल, खाने में भी बड़ी बेहतरीन है ना, इसका सालन भी बहुत अच्छा बनता है, इसका अपना फ्राई में भी बहुत बेस्ट है। मैंने पहले व्यूअर्स कभी नहीं खाई थी, लेकिन जब से मैंने इसको खाया इसको भी लिस्ट में शामिल कर लिया है, इतनी टेस्टी मछली है। व्यूअर्स ये रेड स्नैपर मछली है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ये भी टॉप ग्रेडेड मछली में शामिल है। ये मछली की देखें चमक, देखें चमक, देखें इस पर लेस लगा हुआ है, देखें सारा चमक रहा है वाइट, और इसकी कली आप देखिए, कली बिल्कुल
लेस वाली होगी, ये देखें। इसका गोश्त भी वाइट है और एक कांटा है इसके अंदर। इसकी वेस्टेज थोड़ी व्यूअर्स ज़्यादा है, क्योंकि इसका व्यूअर सर बड़ा होता है ना, तो इसकी वेस्टेज रावस से ज़्यादा इसकी वेस्टेज है, सुरमाई से ज़्यादा इसकी वेस्टेज है। इसमें 25-27% वेस्टेज है सुरमाई में, और आपकी रावस में 18-20%, बस इससे ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी मछली की वीडियो कटिंग की आप देख सकें, तो आप कम से कम 5 किलो का ऑर्डर करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो भी कटिंग की अपलोड कर दूँगा। कभी कभार ये कि ज़्यादा रश होने की वजह से मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। फिशरी में बहुत रश हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, खड़े होने की जगह नहीं होती। कोशिश पूरी करते हैं कि वीडियो बन जाए।